थोड़ा सा ये जो बर्ड है ना हमारा, जो ब्लैक पॉटरेज है, जो ब्लैक फ्रेंकोलियन है, ये थोड़ा कलर कॉन्शियस होता है। कलर कॉन्शियस मीन ये किसी भी रंग से ये डर सकता है। तो सो इसका हमने एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड मेंटेन किया हुआ है कि वाइट कपड़े पहन के आप इस शौक में शामिल होंगे, जिसकी वजह से तितर डरेगा नहीं। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग के इलाका शाहजीवना की सरसबीर पर। नाज़रीन, यहाँ पर एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, सियाह टूर्नामेंट है। नाज़रीन, आपने क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी, कुश्ती का टूर्नामेंट तो देखे होंगे, लेकिन आपने आज जिस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ ये है सियाह तीतर टूर्नामेंट, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर तीतर जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तीतर ज़्यादा बोलिए बोलेगा, जो ज़्यादा बोलेगा, जिसकी ज़्यादा आवाज़ होगी वो इस टूर्नामेंट में विनर होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो हैं चीफ ऑफ नाब अली रजा आबे साहब हमारे साथ हो जाए, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर कहाँ का जो टूर्नामेंट में तीतर जो है शिरकत कर रहे हैं और ये कब से टूर्नामेंट जा रही है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं रियल पाकिस्तान आपकी मीडिया टीम का और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारे पास तशरीफ़ ले के आए। तो ये एक पब्लिक इवेंट है जी, आजकल के इतने क्रूशल हालात के अंदर जहाँ पे बंदे को मुस्कुराहट के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए कोई मौका मैसर नहीं है, तो हमने कोशिश की कि ये हमारा कल्चर है तीतर बुलवाना। ये हमारे पंजाब का, इंटीरियर पंजाब का स्पेशली ये कल्चर है और हमने ये कोशिश की कि यहाँ के लोगों को जो इनका मूर्सी एक विरासती शौक है उसके मुताबिक अच्छी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। सो वी हैव टू अरेंज दिस वन, ठीक है जी। तो सेकेंडली इसका इनकाद ऐसे होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चार्टर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर डीसीओ साहब और डीपीओ साहब और वाइल्ड लाइफ महकमा वाइल्ड लाइफ की इजाज़त से हम ये शौक का इनकाद करते हैं और उसके लिए हमें उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि हमें ओथ वहाँ पर देने पड़ते हैं कि हम इसमें कोई मेला फाइडी, गैम्बलिंग, दिस एंड दैट, नो नेगेटिव प्रैक्टिस आर इन्वॉल्व इन दिस सेशन। तो सो हमने उन तमाम बैरियर्स को क्रॉस करते हुए, तमाम महकमों से एनओसीज लेते हुए हमने शौक का इनकाद किया। यहाँ पर ये तीतर हमारे पास आए, ये जो आप ये लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान में एक जगह से नहीं है, ये एक डिस्ट्रिक्ट से ये लोग नहीं हैं, ये मुख्तलिफ अजला से आए हुए लोग हैं। यहाँ पे जतोई मुजफ़्फ़रगढ़ से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे नारोवाल से भी लोग आए हुए हैं, मुल्तान, चकवाल, रावलपिंडी, सरगोधा, कमालिया और ये ओवरऑल, यानी कि ये पूरे पंजाब से जो है ना, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब ने जो है सफ़ेद कपड़े पहने, इसकी क्या खास वजह है? ये थोड़ा सा ये जो बर्ड है ना हमारा, जो ब्लैक पॉटरेज है, जो ब्लैक फ्रेंकोलियन है, ये थोड़ा कलर कॉन्शियस होता है। कलर कॉन्शियस मीन ये किसी भी रंग से ये डर सकता है। तो सो इसका हमने एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड मेंटेन किया हुआ है कि वाइट कपड़े पहन के आप इस शौक में शामिल होंगे, जिसकी वजह से तितर डरेगा नहीं। अच्छा, इसकी ब्रीडिंग आप कैसे करते हैं? इसकी ब्रीडिंग दैट इज़ गुड क्वेश्चन। देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तान में सॉरी टू से कुछ महकमे इसको किल करने का, तो मारने का, शूट आउट करने का तो लाइसेंस देते हैं, मगर जो हम ब्रीडिंग वाले हैं इनके लिए लाइसेंस पे पाबंदी है पंजाब में, स्पेशली प्रोविंस पंजाब के अंदर। हम अरबाब, आला अरबाब और आला अख्तियार आला से हम रिक्वेस्ट करते हैं जाती कि इसको पालने की और इसकी अफजाइश की बंदों को इजाज़त दी जाए और इसके जो परमिट हैं, जो लाइसेंसेज हैं, वो इशू किए जाएँ। इसको पालने का हर बंदा इसकी ब्रीड नहीं कर सकता, इसको स्पेसिफिक जो इसका नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो प्रोवाइड करना पड़ता है, उसमें ये तीतर ब्रीड करता है। ऐसा ये बताएं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट आपने यहाँ पर सजा दिया है, पाकिस्तान भर से तीतर यहाँ पर शिरकत करें, तो कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? इसमें और मुश्किलात हमें नहीं फेस हुई, सोशल मीडिया उस पर हमने इन्वाइट किया लोगों को, और इसमें यही है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे इसकी अगर थोड़ी सी पजीराई हो तो ये शौक और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये गेम एज़ पर दैट, जिस तरह क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बाकी गेमें हैं, इस तरह अगर गवर्नमेंट हमें इसकी सरपरस्ती करती है तो सो इस तरह हमारा ये शौक भी जो अच्छी इंटरटेनमेंट का बायस बन सकता है। अच्छा, इनकी असल खुराक क्या है?
इनकी असल खुराक ये बहुत एक दूसरा आपका इंतहाई अच्छा सवाल, इनकी खुराक जो है ना वो इतनी कोई ख़ास कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। इसके अंदर हम इनको आम नॉर्मल सादा मूंग की दाल देते हैं, कुछ शौकीन बाजरा देते हैं, कुछ शौकीन इनको बादाम दे देते हैं, कुछ आटा मलाई दे देते हैं। ये एक नॉमिनल खुराक पे रहने वाला बर्ड है, कोई इतनी कोई इसके लिए कोई आउटस्टैंडिंग या कोई एक्सपेंसिव नहीं साबित होता। इनकी कोई उम्र का हिसाब भी होता है? डेफिनेटली जितने इस प्लेनेट पर जो जो चीज़ें हैं उनका एक एज स्पैन है, ठीक है जी। तो उस एज स्पैन के अंदर इसकी भी यही स्पैन है, एक आम नॉर्मल तितर 10 से 12 साल तक जिंदा रहता है। अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जाए तो उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए। इस टूर्नामेंट में कितना इनाम रखा गया है? इस टूर्नामेंट में एक्चुअली इस टूर्नामेंट के अंदर हम कुछ दोस्तों ने मिलकर ये इवेंट अरेंज किया है, तो इस टूर्नामेंट के अंदर हमने जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 30,000 रखा है, इक्वल टू वन मोटर बाइक। सो द सेकेंड प्राइज़ इज़ 20,000 एंड थर्ड प्राइज़ इज़ 10,000। और उससे नीचे लेवल पे भी हमने आम तमाम शौकीनों को की पजीराई के लिए या उनको यानी कि अप्रिशिएशन के लिए उनके लिए भी छोटे इनाम आगे रखे हैं। थोड़ी देर में हम अपने इनाम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तो यू कैन सो वाइक दैट कवर। इतना बड़ा आपने टूर्नामेंट सजा दिया, यहाँ पर आपने खाने का बंदोबस्त भी किया है, तो कितना खर्चा यहाँ पर हुआ है, वो खर्चा आप कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? जी, इस टूर्नामेंट के ऊपर जितने तितर एंटर होते हैं तमाम तितरों के ऊपर एक माइनर सी इन तमाम तितरों के ऊपर एक माइनर सी एंट्री फीस रखी जाती है। उसकी वो जो एंट्री फीस होती है, कोशिश की जाती है कि उस एंट्री फीस के अंदर तमाम अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो मैनेज किए जाएं। तो सो इंशाल्लाह ताला हमें इस टूर्नामेंट मैनेज करने में हमें एक्सपेंसेस सारे हमारे बोरो हो जाएंगे, और उम्मीद है कि हमें कोई इस किस्म का उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आपकी मुसलसल जो है ये बात कर रहे थे कि लसांस का बड़ा परेशानी होती है, तो आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम दें? सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑन दिस क्वेश्चन। मैं हुकूमत पंजाब पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं तमाम सूबे के अंदर मासीवाय पंजाब काले तितर को पालने के लसांस बैन है सिंस 2005, ठीक है जी। मगर इसको शूट आउट करने के लसांस हमें हर महीने मिलते हैं। हाँ, कोई भी बंदा जाके वहाँ जाके इसको शूट आउट करने का जो है ना लसांस ले सकता है। हम दस्त बस्ता इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेशली पीटीआई गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी जो लाइसेंस है उसको जो परमिट है परमिशन को जो है ना रीओपन किया जाए। इसकी मद में गवर्नमेंट कैन जनरेट द लॉट ऑफ रेवेन्यू, जिसके उस रेवेन्यू को जनरेट करने से महकमा वाइल्ड लाइफ और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रेफरी मौजूद है जो इस टूर्नामेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया है, जो इस वक्त बोलिए चेक करते हैं कि किसकी आवाज़ ज़्यादा है, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये आपको ख्याल कैसे आता है और कैसे पता चलता है कि ये ज़्यादा तितर जो है बोल रहा है, किस कैसे पता चलता है आपको? वालेकुम सलाम सर, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें बेसिकली जिस बंदे का एक तितर होता है उसके तितर के ऊपर थर्ड बंदे को बिठाया जाता है और उसको इंसाफ के लिहाज से सब कुछ SOPs बताए जाते हैं कि आपने जो तितर आवाज़ करेगा तो उसकी एक आवाज़ काट देनी है। अच्छा। ये पेपर है, इसके पेपर के ऊपर साइन किए जाते हैं, पेपर के ऊपर साइन किए जाते हैं, और जो तितर इनाम याफ्ता तितर होते हैं उनके तितर कमेटी के लोग अपने लिखते हैं, और वो हर लिहाज से उम्मीद की जाती है कि शफाफ तरीके से लिखे जाएँ ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो वो बंदा अपना पेपर खुद नहीं लिख सकता, जिसका तितर इनामी होता है या जीतता है वो तीसरा बंदा ही लिखता है। चाहे आप मुल्तान से आए हैं और आपका तितर हो सकता है कि सरगोधा का बंदा लिख रहा हो, और सरगोधा वाले बंदे का तितर हो सकता है मुल्तान का बंदा लिख रहा हो, तो इस तरह कोशिश की जाती है कि मेरिट पे काम हो सब। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगु सुनी यहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइज़र और यहाँ पर खड़े रेफरी की, क्या उनका कहना है? बल्क पाकिस्तान से यहाँ पर तितरों ने यहाँ पर शिरकत की। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इनाम हैं, जो यहाँ पर जीतेगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। ना सही, इस तरह का प्रोग्राम हम लाते रहेंगे अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को। रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।